नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार SSC में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और उस 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न आपका रीजनिंग से होता है। और रीजनिंग ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सेक्टर है वो जहाँ से अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, कंटिन्यू अभ्यास करते हैं, बेहतरीन कंसेप्ट आपका होता है, क्लियर कंसेप्ट, तो आप वहाँ से फुल मार्क्स उठा सकते हैं, यानी कि कंप्लीट 50 प्रश्न आप वहां से सही कर पाएंगे। और ऐसा आपका तभी हो पाएगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे। और हम लोगों का साथियों टारगेट है कि अगर 50 में 50 कंप्लीट नहीं हो पाए तो कम से कम 48 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य रखा गया है एग्जामिनेशन क्वालिफाई के लिए, एक टारगेट रखा गया है, वैसे निर्धारित नहीं है लेकिन अपना एक टारगेट है कि 110 प्रश्न हमें सही करने होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल आपका रीजनिंग का होने वाला है, क्योंकि 50 हमें यहाँ से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो साथियों सोचिए कि यहाँ पे आपका 60 नंबर और रह जाए, यानी कि 60 नंबर नहीं, 60 क्वेश्चन और रहेगा। उस 60 क्वेश्चन में 75 आपका 75 GK GS से आएगा, है ना, और आपका 25 मैथ से होने वाला है। तो मैथ में जिनका कमज़ोर है तो कम से कम 12, 15, 18 इसी के अराउंड रहेंगे जो कमज़ोर है, और जो बेहतरीन है वो 20, 20+ जाएंगे। तो सबका अपना अपना वीक पॉइंट होता है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर आप रीजनिंग यहाँ से साथियों 50 या 48 कंप्लीट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी। और इसी के लिए रीजनिंग का हम लोगों ने इस सेशन स्पेशल रीजनिंग का करने का यहाँ पे शुरुआत किया है, प्रयास किया है, और आप इस सेशन को पूरा देखेंगे। और जब शुरू में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा उसे भी आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वह आपके बारे में ही, आपकी इस रणनीति के बारे में, इस सेट के बारे में ही दिया रहता है, तो उसे पूरा सुनेंगे। हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग का, रीजनिंग के प्रश्न के साथ। और इस तरीके से आपको बताया जाएगा, जो बिगनर होंगे, पहली बार रीजनिंग बना रहे होंगे, वह सब भी इसे आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, रीजनिंग को सॉल्व करते हुए मैं थोड़ा सा समय इसलिए लूँगा कि मान लीजिए कि एक पैटर्न को कोई फॉलो कर रहा है और फिर आगे जाके कहाँ पे वो दिक्कत कर रहा है, इसे पूर्ण तरीके से आपको यहाँ पे डील किया जाएगा, समझाया जाएगा। और एक बार आप समझ लिए तो यह प्रश्न अगर किसी भी तरीके से आपको दोहरा करके पूछा जाएगा तो एग्जामिनेशन में आप फंसेंगे नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, पेशेंस रख के मेरे द्वारा जो सॉल्व किया जाएगा उसको इत्मीनान से देखना है। आप देखेंगे और जब वीडियो कंप्लीट होगा साथियों तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसा रहा यह सेशन, और ज़रूर कमेंट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, सजेशन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार हमसे जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जो है वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, इंट्रोडक्शन लंबा हुआ, रीजनिंग का जो है जो क्लास है सेपरेट, सिर्फ रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस, वह आपका एग्जामिनेशन तक चलेगा। कम से कम एक सेट आपका रीजनिंग का प्रत्येक दिन, और अधिक से अधिक 2 या 3 सेट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका एक सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेट नंबर 1 का, जो कि खान सर का प्रैक्टिस सेट है, RBD का, उसी से लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनना है। अब क्या कह रहा है, लेखक, तो लेखक क्या करेगा, लिखने का काम करता है ना, लेखन कार्य करता है, ठीक है। इत्मीनान से बिल्कुल इतना इजी तरीके से समझाएंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा, सुनते रहिएगा। लेखक क्या करेगा, लिखने का काम करेगा, और लेखन का काम होता है कलम से, तो कलम इसको चाहिए। उसी तरीके से दर्जी क्या करता है, सिलाई करता है, और सिलाई के लिए उसको कुल्हाड़ी की ज़रूरत नहीं होगी, आड़ी की ज़रूरत नहीं होगी, सर्जन की छुरी की ज़रूरत नहीं होगी, उसे सुई की ज़रूरत होगी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, यानी कि मुकेश जहाँ पे खड़ा रहा होगा वहाँ क्या होगा, दक्षिण का दिशा होगा। तो सबसे पहले साइड को हम इंडिकेट कर देते हैं, है ना, यानी कि किस साइड कौन सा पड़ेगा। तो साथियों आप याद रखेंगे, ऊपर जो होता है आपका नॉर्थ होता है, और जस्ट इसके नीचे आपका साउथ होता है, फिर आपका लेफ्ट साइड होता है, यह आपका वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम होता है, और राइट साइड आपका ईस्ट होता है, पूरब होता है, ठीक है। यह हो गया नॉर्थ, यह हो गया साउथ, उत्तर, दक्षिण, यह हो गया आपका पूरब, और यह हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। अब यह जो कह रहा है उसे हम फॉलो करते हैं। क्या कह रहा है,
कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, यानी कि इस दिशा में मुकेश खड़ा था, इधर इधर घूम के दक्षिण की तरफ, ठीक है। वह 5 किलोमीटर सीधे चला। अब देखिए इसको 5 किलोमीटर सीधे चलाते हैं, तो 5 किलोमीटर यहाँ से यह इधर की तरफ चला, दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर यह चला। फिर क्या कह रहा है, वहाँ से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा। अब यहाँ से दाईं इसका तो इधर हो जाएगा ना, राइट, इस फेस की तरफ दक्षिण की तरफ है, तो इस साइड चलेगा, तो कितना चलेगा, फिर 5 किलोमीटर चलेगा। और यहाँ पे साथियों 90 डिग्री का कोण बन गया, राइट एंगल ऐसे ही ना होता है, जिस तरीके से आपने इस तरह से पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है राइट एंगल, तो उसी तरीके से यह इधर चला तो यह आपका 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर से बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे साथियों कि यहाँ से बाईं ओर, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, इस साइड इधर की तरफ, और 45 डिग्री पर मुड़ रहा है, तो 45 डिग्री यहाँ होगा ना, ऐसे देखिए यह आपका 90 डिग्री का कोण बनता है ना, ऐसे राइट एंगल होता है, तो यह 45 डिग्री पर मुड़ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 45 डिग्री पर मुड़ा, पूरा 90 डिग्री मुड़ता तो यहाँ पे आ जाता ना, सीधा आ जाता, तो यह 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला, कितना चला, 3 किलोमीटर, है ना। वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा, इतने इजी तरीके से, इतने धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं कि जो बिगनर्स होंगे उन्हें भी समझ में आएगा। तो शुरुआत में यह यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, अभी यह यहाँ पे है, तो मान लेते हैं इसको भूल जाइए, अब क्या हो गया, यह नॉर्थ हो गया, यह नीचे साउथ हो गया, यह आपका वेस्ट हो गया, और यह आपका ईस्ट हो गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ से जो शुरुआत थी वहाँ से यह किस दिशा में है, तो यह आपका इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में पड़ रहा है ना यहाँ से, तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 108 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा असंगत है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए चौक से जो है बोर्ड पर लिखा जाता है, मार्कर से भी लिखा जाता है, पेन की अगर बात करें तो किसी भी कार्य में, अगर मान लीजिए कॉपी ही हो, वहाँ पे लेखन का काम होगा, लिखने का काम होगा, जबकि पुस्तक क्या हो, पढ़ने के काम आता है, तो यह आपका असंगत है और ऑप्शन बी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 109, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए अगर हम शुरुआत करते हैं पहले लेटर का, तो बी है, बी के बाद एक लेटर जम करके क्या बना, बी सी को गैप कर दिया तो डी हो गया, डी के बाद फिर ई को गैप करके एफ आर है, फिर एफ को गैप, एफ के बाद ई को गैप, एफ के बाद क्या होता है जी, तो जी को गैप करके फिर एच आ रहा है, तो अब सॉरी एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो एच के बाद क्या होगा, आई को गैप करेगा और जे आ जाएगा, ठीक है, जे होगा, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद यह जेड है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर जेड है, जेड के बाद क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, तो एक घट रहा है, माइनस हो रहा है, फिर वाई के बाद एक्स हो रहा है, फिर एक्स के बाद डब्लू हो रहा है, तो फिर डब्लू में से एक घटेगा, यानी कि डब्लू अल्फाबेटिकल नंबर में 23वें क्रम पे होता है, तो एक घट जाएगा तो क्या होगा, भी हो जाएगा, जे भी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ए, ए के बाद सी आ रहा है, तो बी एक मिस कर रहा है, सी के बाद डी छोड़ के एक ई आ रहा है, ई के बाद एफ छोड़ के एक जी आ रहा है, तो जी के बाद एच को छोड़ेगा ना, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो जे वी आई ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, अगर आपको यह समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से बैक करके देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 110 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे 384 कैसे होगा, ठीक है, तो लॉजिक दिमाग में अपने लगाते चलेंगे, ठीक है, वैसे तो इसका आंसर पता है लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का पावर 1, 6 का पावर 2 और 7 का पावर 3, है ना, तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 7 का 343 होता है ना, तो यहाँ पे 6 3 9 9 5 14, 4 कैरी 1, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, और यह आपका 3 होगा, यानी कि पहले वाले का पावर 1 लगाया है, दूसरे पावर स्क्वायर कर दिया है 6 पर, इसका पावर 3 कर दिया है। उसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो 4 का पावर 1 4 होता है, और 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, डबल करते हैं,
तो यहाँ पे 25 होता है। समझाने के लिए तो इजी, धीरे धीरे समझाना ही पड़ेगा। और 6 का पावर क्या होता है, 6 का 3 अगर करेंगे तो 216 होगा, है ना। अगर इसको ऐड करके देखते हैं, 5 4 9 9 6 15, कैरी 1 2 1 3 और 1 4, 245 है। तो इसी पैटर्न को अगला यह भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो 3 का पावर 1 1 होगा, 4 का पावर 2 16 होगा, और साथियों 5 का क्यू अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे, 5 3 8 8 6 14, कैरी 1 1 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, है ना। 2 1 3 कैरी वाला 4 आएगा और 1 रहेगा, तो 144 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी कि दूसरा आपका यह बच्चा है उसका पहले से क्या संबंध है। तो बच्चे की अगर चिकित्सा होगी तो बाल चिकित्सा के अंतर्गत होगी बच्चे का चिकित्सा, तो तंत्रिका विज्ञान, है ना, तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किसकी चिकित्सा की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिमाग की, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत स्नायु का अध्ययन किया जाता है, स्नायु तंत्र का, और वह दिमाग से जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्नायु तंत्र नहीं दिया गया है और दिमाग से जुड़ा हुआ होता है स्नायु तंत्र, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 112 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक जैसा है, जबकि चौथा असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। अब 13 में 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 8 तो आपका क्या होता है, 104 होता है, ठीक है। 15 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होता है, और 12 में 8 से करेंगे तो 96 होता है, लेकिन 16 में 8 से करेंगे तो 128 होता है, 128, ठीक है। और यहाँ पे 118 दिया है तो यह क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 113 वकील कहाँ पे अपना वकील जो है वह अपना जो है परफॉर्म कहाँ पे करता है, कोर्ट में करता है, केस लड़ता है ना, उसी तरीके से ब्यूटिशियन अपना काम कहाँ पे करेगा, पार्लर में करेगा। ब्यूटिशियन का वर्ड पार्लर में ही होता है, तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए, विशेष वर्ण जैसे आपका हैज हो गया, है ना, स्टार हो गया, इस सब को कह रहा है, परसेंटेज वगैरह को तो हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पे होगा। तो एक्स आपका यहाँ पे है, इसके दाईं ओर, तो एक इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसको तो हटाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको छोड़ना है, 9 और 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर करेक्ट आंसर बनेगा। विशेष की अगर बात कर रहा है, विशेष वर्ण, तो वह आपका ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, है ना, हैज हो गया या स्टार हो गया, ये सब आ जाएगा विशेष वर्ण के अंदर। प्रश्न संख्या 15 दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि जो लाफ्टर में जितने भी लेटर हैं, ठीक है, उसका यूज करके नहीं बनेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गेट, यानी कि जी ए टी और ई, तो यह जो 4 लेटर है यह लाफ्टर में है कि नहीं, तो है, जी है, फिर आपका ए भी है, टी भी है, ई भी है, ठीक है। तो यह तो साथियों बन सकता है, यह ए बन जाएगा। अब ग्रंट को देखते हैं, तो जी है, जी है, फिर आर है ना, फिर आपका यू भी है। एन की अगर बात करेंगे तो एन यहाँ पे लाफ्टर में नहीं है, यानी कि ग्रंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, आगे देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 116 साथियों इस तरीके का प्रश्न चुटकी में बनता है, इसका एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है। आप उसको फॉलो करेंगे, आपका आंसर भी गलत नहीं होगा और जल्द से जल्द बन भी जाएगा। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न में हम क्या करेंगे, कितना खाली जगह है उसको लिखेंगे, है ना। तो 1 2 1 2 3 4 और 5 खाली जगह है, तो हमें क्या करना है, 5 खाली जगह को लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 5 खाली जगह हो गए। अब क्या कह रहा है, अभी आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना, जैसे डबल बी ए, ठीक है ना, डबल बी ए होना चाहिए, तो यहाँ पे एक और बी होना चाहिए, इसके हिसाब से अगर फॉलो करें तो डबल बी ए है ना, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक बी है
और उसके बाद डैश है बी है तो यहाँ भी डबल बी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डबल बी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे डबल बी है, यानी कि एक बी यहाँ पे आएगा दूसरे नंबर खाली जगह पे, तो दूसरे नंबर खाली जगह यहाँ है, हम बी लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डबल बी ए अंतिम है ना, यहाँ पे डबल बी ए, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, अंतिम वाले में भी आपका बी होना चाहिए, ठीक है, अंतिम वाले में बी होना चाहिए। तो अब देखिए दूसरे नंबर वाले में बी कहाँ है, तो दूसरे नंबर बी के बाद सी है, यहाँ पे बी होना चाहिए दूसरे नंबर में, खाली जगह पर हमने बी लिखा है ना, तो यहाँ भी नहीं है, तो ए आपका वैसे ही कट गया, ठीक है। एक बार और फिर से समझते हैं, ठीक है, पांच खाली जगह को हम लिखते हैं, चूँकि समझाना है ऐसा, चूँकि इस तरीके से समझाना है कि दोबारा यह प्रश्न आए तो आपको सोचना नहीं पड़े। पांच खाली जगह जो कि यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो उसको हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, डबल बी ए यहाँ पे दिख रहा है, तो वो यही पैटर्न आगे भी कहीं ना कहीं होगा, यानी कि यहाँ पे बी के बाद एक बी होना चाहिए, तब ए होना चाहिए, तो किस कैमा नंबर है खाली जगह पर, खाली जगह पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ पे एक बी और होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ भी अंतिम में आइए, डबल बी होना चाहिए, तो बी डैश ए, तो यहाँ भी बी आना चाहिए, तो अंतिम में भी बी लिख देते हैं। अब इस तरीके का फॉलो करते हैं ना, अब इसमें अंतिम में बी कहाँ पे है, सी और ए में है, तो बी और डी ऑप्शन कट गया, अंतिम में सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे अंतिम में बी है, बी है, तो ए और सी में से ही कोई आंसर होगा। अब यहाँ देखते हैं तीसरे नंबर खाली जगह पर बी है, यहाँ पे तीसरे नंबर खाली जगह पर बी सी ए, यानी कि यहाँ पे बी होना चाहिए जो कि नहीं है, तो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे है आपका ए सी बी, तीसरे नंबर बी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए सी बी सी। तो अब यहाँ पे आप भर भी देंगे तो ए सी बी सी और फिर बी होगा, है ना, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ए डबल बी ए, सी ए डबल बी ए, सी ए डबल बी ए, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। प्रश्न संख्या 117, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। अब इसे सॉल्व करते हैं, आर के बाद क्या है आपका एस है, एक आगे बढ़ा, तो भी के बाद क्या होना चाहिए, डब्लू होना चाहिए, ठीक है, ए के बाद फिर यहाँ पे क्या है सी, एक बी को छोड़ा आगे बढ़ा तो सी हो गया, उसी तरह एक्स के बाद वाई को छोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड होगा, ठीक है, फिर यहाँ एम के बाद एन को छोड़ा आगे बढ़ा तो पी होगा, उसी तरह के एम के बाद यहाँ पे आगे छोड़ेगा हैं तो एन को छोड़ेगा, यहाँ एम से आपको पी तक आने में कितना गैप है, एम के बाद एन ओ पी तीसरे नंबर पर है तो यह भी तीसरे नंबर पर जाएगा ना, तो एम के बाद क्या होगा, एन ओ पी, यहाँ पे आपका पी हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ के बाद एस तक आने में देखिए कितना लगा है, ओ से एस तक आने में, तो पी क्यू आर एस चौथा नंबर पर आया है, तो जे के बाद भी हम चार आगे बढ़ेंगे तो जे के बाद के एल एम एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यह ऑप्शन आपका कहाँ है, यानी कि पहला में सीधे एक आगे बढ़ा, दूसरा में दो का गैप हो गया, तीसरा में तीन का गैप हो गया और चौथा में चार का गैप हो गया, इस तरीके से बढ़ा है अगला लेटर, तो डब्ल्यू जेड पी एन कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 118, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, है ना, मैं एक में बताऊंगा जो फॉलो नहीं करेगा और दूसरा में फॉलो करता है, क्योंकि हम आंसर नहीं जान रहे होते हैं ना, तो हो सकता है कि वह पहला पैटर्न फॉलो नहीं करे। अब 21 से 11 आया है, तो मान लेते हैं ऐसा कि 21 में से 11 घटा होगा तो 10 का डिफरेंस रहा होगा, तो इसके बीच में अगर 10 का डिफरेंस होगा तो 31 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए, 21 10 31 होता है, 11 10 21 होता है, तो इसको यह फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि यह पैटर्न फॉलो करेगा ही नहीं। अब क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 11 है, मान लीजिए क्या है ही है, तो 11 को दो बार करेंगे तो क्या होता है, 22 होता है, और उसमें से एक घटाते हैं तो क्या आता है, 21 आता है, इसके लिए हम लोगों ने इसको समझाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे 31 है, एक घटा होगा, है ना, तो एक घटा को पहले ऐड कर देते हैं तो 32 है, और किसका 32 डबल होगा, 16 का, यानी कि 16 को दो बार किया होगा तो क्या हुआ होगा, 32, और उसमें से एक घटा देगा तो क्या आ जाएगा, 31। तो इस पैटर्न को फॉलो यह कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा 16, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119, अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे 6 से 8 हुआ, फिर 8 से 28 हुआ, यानी कि अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना होगा, 36 होगा, और इस 36 में से इस 8 को घटाते हैं,
यानी कि 16 में से 8 गया 8 और यह क्या हो गया 28 हो गया। पहले क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर करके 8 को घटा लिया गया है, तो आपका क्या आ गया है 28 आ गया है, यही पैटर्न हुआ है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर ठीक है और माइनस 18 करते हैं, तो आपका 63 आता है कि नहीं पहले चेक करते हैं, यानी कि 81 में से आपका 18 अगर माइनस होगा तो यह 63 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इसको भी करेंगे, 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर है और उसमें से इस वाले पार्ट को घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना है पता नहीं, तो मैंने मान लिया एक से, और इसको घटाने के बाद क्या आया है 94 आया है। यह माइनस वाला एक्स उधर चला जाएगा और यह 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, माइनस क्या हो जाएगा 94, यानी कि 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, यानी कि 75 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 120, पी क्यू और आर का भाई है। अब देखिए यहाँ पे समझते रहिएगा, पी क्यू और आर का दोनों का यह भाई है पी, इसका मतलब तीनों तो एक ही जनरेशन के ना, हो सकता है यह भाई हो या बहन हो या क्यू या आर में से कोई भाई या बहन हो, या हो सकता है दोनों बहने ही हो, ठीक है तो पी तो भाई है इतना तो पता चल गया। फिर क्या कर रहा है, एस आर की माँ है, आर की माँ कौन हो गई यहाँ पे एस हो गई। अब देखिए आर की माँ तो माँ का जनरेशन ऊपर होगा ना, क्या कह रहा है एस आर की माँ है, एस अगर माँ होगी तो यह पी की भी क्यू की भी आर की भी तीनों की माँ होगी। फिर क्या कह रहा है, टी पी का पिता है, यानी इसका पिता टी है, तो यह पी क्यू और आर दोनों का पिता होगा, तो यह पिता होगा तो यह माँ है, यानी कि यह हस्बैंड और वाइफ है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस कथन को निश्चित रूप से सत्य नहीं मानता है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है चलिए देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, टी क्यू का पिता है, ऐसा ही बना था ना रिलेशन, टी क्यू का पिता है, तो टी जाहिर सी बात है पी का क्यू का आर का सबका पिता है, तो क्यू का पिता है ही है, तो यह सही है। एस पी की माँ है, तो एस तो आर की माँ है, क्यू की माँ है और पी की तीनों की माँ है, तीनों भाई बहन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है। सी में कह रहा है टी एस का पति है, टी एस का इसका पति है, सही बात है, यह दोनों पति पत्नी है, तो यह भी सही है। टी क्यू का पति है, टी जो है क्यू का पति नहीं है, क्या है पापा है, ठीक है ना, तो डी हमारा गलत होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब यह कि यह जो डॉटर में जो जितने भी लेटर है उस लेटर का यूज करके इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए को क्या लिख रहा है, जी ई टी, तो यहाँ पे जी है ई है टी है, तो यह बन जाएगा, ठीक है यह आपका बन जाएगा, तो इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है यह बन जाएगा। फिर डेट को देखते हैं, तो डी है ए है टी है ई है, यानी कि यह भी बन जाएगा। टॉट में देखिए यहाँ पे ओ दिखाई दे रहा है, तो ओ यहाँ पे है नहीं है, सीधी सी बात है, तो यह नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। चलिए यह साथियों आपका सिलॉक्स का प्रश्न है, साइलोलिज्म कहिए सिलॉक्स कहिए साइलो कहिए, जो मन में मर्जी आए वो आप कह सकते हैं, ठीक है यह प्रश्न साथियों इसको सॉल्व करते हैं। इसे वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करना आसान होता है। क्या कह रहा है कि सभी गुलाब लाल है, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक गुलाब है, ठीक है यह गुलाब है और जितने भी गुलाब हैं ये सारे के सारे जो हैं यह क्या हो जाएंगे लाल हो जाएंगे, ये सारे गुलाब लाल होंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुछ लाल रंग है, इसमें से लाल का कुछ पार्ट क्या है रंग है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है तीसरा में कि सभी रंग पेंट है, यानी कि जितने के जितने रंग होंगे ये रंग जितने भी यहाँ से रंग है ये सब क्या हो जाएंगे पेंट हो जाएंगे, ठीक है समझ में आ रहा है। फिर से समझिए, सभी गुलाब लाल है, तो एक गुलाब मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना सभी गुलाब, और सारा का सारा गुलाब क्या हो गया लाल हो गया, समझ में आ गया। फिर कह रहा है कुछ लाल रंग है, तो इस लाल का जो कुछ पार्ट है वो रंग में आ गया, ठीक है लाल का कुछ पार्ट रंग में आ गया। फिर क्या कह रहा है, सभी रंग पेंट है, तो यह जितना भी रंग था यानी कि यहाँ से यहाँ तक रंग था ना, तो ये सारा पेंट के अंतर्गत आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे निष्कर्ष है एक और दो, यह निष्कर्ष, तो कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल इसमें है और यह पेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि कुछ लाल आपका क्या हो रहा है रंग हो रहा है और सारे के सारे रंग पेंट है, तो कुछ लाल का पार्ट वह पेंट तो होगा ही, तो यह आपका सही है। सभी लाल गुलाब है, जितना भी लाल होगा वह गुलाब नहीं ना होगा,
सभी गुलाब लाल हैं, जितना भी गुलाब है वो सब लाल के अंतर्गत आता है, यानी कि सारे के सारे लाल गुलाब नहीं होंगे, जितने भी लाल होंगे गुलाब नहीं होंगे, कुछ लाल गुलाब हो जाएंगे। तो दो नंबर ऑप्शन इसका, दो नंबर निष्कर्ष इसका, इसको फॉलो नहीं करता है, सिर्फ एक होता है फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 123। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिएगा, यह प्रश्न हर एक सेट में आने वाला है, तो अच्छा रहेगा आप यहाँ से इतना इजी तरीके से समझ ले कि आगे जब आए तो उस समय आपको मेरी ज़रूरत ना हो। कम से कम क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का, यानी कि दीप्ति का क्या है, बाईं ओर से 14वां है, तो मान लेते हैं दीप्ति है, यहाँ पे डी लिखते हैं, डी फोर दीप्ति, बाईं ओर से यह क्या नंबर पर आएगी, 14वें नंबर पर आएगी, और जो है यह मोहन, ठीक है ना, दीप्ति मोहन क्या है, दाईं ओर से 9वां है, यानी कि दाईं ओर से जब मोहन आएगा तो कितना हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, 9वां, ठीक है, मोहन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, अपना सीट एक्सचेंज करते हैं, तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा, दाईं ओर से, यानी कि इसके जगह पर जब आएगा, इसी के जगह पर ना आना है उसको, लेकिन दाईं ओर से, अभी तो दाईं से 9वां है, और अब क्या हो जाएगा, 21वां हो जाएगा, 21वां यहाँ पर आएगा, तो ठीक है, तो यानी कि पहले 9वां था, अब इसके जगह को एक्सचेंज करते हैं तो क्या है, जगह तो यही है, इससे पूर्व ऑलरेडी 13 लोग है, 14वें नंबर पर ही है, बात समझ रहे हैं, ये 14वां नंबर पर है, यानी कि इससे पहले 13 लोग है यहाँ पे, इस बात को समझते रहिएगा। अब यह यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9वां नहीं देखना है और यहाँ पे 21वां नहीं देखना है, ठीक है, अब हमें समझना है। तो यहाँ से साथियों यह क्या हो जाएगा, 9वां नहीं रहेगा, अब यह क्या हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न को पढ़िए, वैसे यहाँ भी इसके बीच के लोगों की संख्या आप निकाल सकते थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, प्रश्न को पढ़िए। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, ठीक है, दीप्ति का स्थान बाईं ओर से, और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल वाला अंतिम में निकालना है, तो अब यह कितना हो गया, 21वां हो गया ना, दाएं से 9वां था और एक्सचेंज करने के बाद 21वां हो गया, तो अब यहाँ पर कितना लोग हो गए, 21, और 21 से पहले कितने लोग हो गए, 13, ठीक है, क्योंकि 13 के बाद यह चौदहवां नंबर पर है, और एक जो है वह बार बार काउंट हो जाएगा, इसलिए दो बार काउंट नहीं कर रहा है, या तो आप इसको यानी कि जो 21 है उसमें 14 को ऐड कर देंगे, ठीक है, या 21 में आप 13 को ऐड कर देंगे, 13 को ऐड करेंगे तो आपको घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 14 जो है एक ही बार काउंट होगा, है ना, ये वाला पोजीशन 14 नहीं, ये वाला पोजीशन, और अगर आप इस 21 में तब इस 14 को ऐड करेंगे तो चूंकि ये वाला जगह जो है वह दो बार काउंट हो जाएगा, तो 4 1 5, 2 1 3 35, -1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा, चूंकि इससे पहले 13 लोग हैं और यहाँ 21 लोग हैं, तो टोटल लोग आपका जो है 34 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल लोग 34 कहाँ पे हैं, अंतिम नंबर में 34 होना चाहिए, तो यहाँ पे है, यह शुरू में है, ठीक है, दीप्ति का 34वां क्रम नहीं है, टोटल का 34 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही होगा, आगे और कुछ दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 124 क्या कह रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, फिर एक बैक आ रहा है सी, तब फिर डी, अब देखिए आई के बाद जे, तो फिर के, फिर एल, उसी तरह ई के बाद एफ, तब जी, तब एच, सही है, एम के बाद क्या हो रहा है, एन, ई के बाद एफ हो रहा है एक आगे, तो एम के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर एन होना चाहिए, ए के बाद यहाँ पे एक छोड़ के भी हुआ तो एम के एक छोड़ के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, पी है, तो हमारा डी गलत होगा और वहीं सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 125, अब इसको देखिए, यह भी इसको भी आसान से देखिएगा, आसानी तरीके से समझिएगा तो समझ में आएगा, यहाँ पे क्या है 96 देखिए 97 86 101, ठीक है, फिर आपका क्या है 89 और फिर आपका है 107 और आगे जो है दो नेक्स्ट क्या आएगा, प्रश्न समझने की नहीं है, प्रश्न तो हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए 97 से क्या हो रहा है, घट के 86, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे टैली करते हैं एक स्किप करके, और इसको इससे टैली करते हैं, ठीक है, तो 97 से 101 के बीच के कितना डिफरेंस है, 4 का, फिर 101 से 7 में जाने पर किस कितना का डिफरेंस है, 6 का, ठीक है ना, यहाँ पे 97 में से
101 पर बढ़ेंगे तो 4 का, फिर यहाँ से इस पर बढ़ेंगे तो कितना का हो गया, 6 का डिफरेंस हो गया। अब इसके इसके बीच का डिफरेंस देखिए, 86 और 89 का, ठीक है, 86 से 89 में कितना हुआ, 3 का डिफरेंस हुआ 87, 88, 89, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 बढ़ेगा, यहाँ पे 4 के बाद 2 बढ़ा है तो 6 हुआ है, तो 6 के बाद 2 बढ़ के 8 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पे 3 बढ़ा है तो यहाँ भी 4 नहीं होगा, 2 बढ़ेगा, है ना, तो 2 बढ़ के 5 बढ़ना चाहिए, तो 89 में अगर 5 को आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा, 90, 4, 94, है ना, 89 में एक जोड़िएगा तो 90 और फिर 4, 94 हो जाएगा, 89 में 5 को ऐड करने पर आपका 94 आएगा। और यहाँ पे हमको कितना ऐड करना है, 4, 6 के बाद 8 ऐड करना है तो 115 हो जाएगा, 107 के बाद 8 ऐड करेंगे तो 115 होगा। तो 94 यानी कि 94 और 115 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही आंसर आएगा। साथियों अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके देंगे ताकि अगले वीडियो में और बेहतर तरीके से समझेंगे, वैसे इतना आसान है आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रश्न संख्या 126 देखिए, यह प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में बार बार आएगा और सेट प्रैक्टिस में भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। एक बार इस प्रश्न को आप समझ जाएंगे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले यह क्या है, मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज या सिंपल सा एक ट्रायंगल मानते हैं इसे, ठीक है, तो इस तरीके का इसके अंदर कितना है लाइनिंग, 1, 2, 3 लाइनिंग है, मान लेते हैं ऐसा ही ना है, आप इसको एक बार समझ लीजिए, ये सॉल्व हो गया तो कहानी कंप्लीट है आपका, एक बीच से इधर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब वैसा वैसा पार्ट इसमें कितना है, 1, 2, 3 तीन पार्ट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बंड है इसे आपको काउंट करना है। तो देखिए बारी बारी से हम आपको समझाते हैं, सबसे पहले ठीक है अलग अलग कलर चेंज करके इतने इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे यह जो ट्रायंगल बना, यह एक यह पूरा ट्रायंगल बना, यह कितना हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। चलिए अब कलर चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ से यह इसको लेके बना, कितना बना, 2 बना, बन गया, फिर इसको लेके बना, इतना कितना बना, 3 बन गया, सेपरेट सेपरेट, फिर उसके बाद इसे लेके बना, कितना बना, 4 बन गया, ठीक है, अब देखते रहिएगा, नंबर प्रश्न में पूछा गया है, देखिए इसको समझेंगे तो इजी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लैक काला लिखा है ना, तो उसके अपोजिट साइड में कौन होगा, तो काला जब यहाँ है तो काला में गुलाबी पीला अपोजिट में तो नहीं होगा, तो गुलाबी को यहाँ से हटाइए, पीला ऑप्शन में है ही नहीं, फिर यहाँ पे काला है, काला में पीला नीला, तो नीला होना नहीं है, ठीक है, काला का अपोजिट नीला थोड़ी ना होगा, या तो नारंगी या तो बैगनी। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ईजी हो गया। अब देखिए काला के अपोजिट पूछ रहा है ना, तो काला यहाँ है, तो इस वाले में काला कहाँ है, काला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पीला है, गुलाबी है, नीला है, नीला है, तो नीला के इधर देखिएगा पीला है, नारंगी है, ठीक है, तो नारंगी वाला पार्ट इधर चला जाएगा, है ना, नारंगी वाला पार्ट इधर चला जाएगा और इसके नीचे आपका यहाँ पे काला होगा। अभ्यास करेंगे तो इसका आपको इसको सॉल्व करने में आपको और आसानी होगी, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, काला के अपोजिट साइड में पूछ रहा है, तो काला के अपोजिट साइड में गुलाबी पीला नहीं ना, इसके नीचे होगा, इसके पेंदी में, तो गुलाबी पीला तो होगा नहीं, तो गुलाबी को तो ऐसे काट लीजिए। अब देखिए काला यहाँ भी है, तो काला के अपोजिट ढूंढ रहा है, तो नीला पीला तो होगा नहीं, ठीक है, तो नीला को कट कर देंगे, या तो नारंगी और नहीं तो बैगनी होगा। अब देखिए चूँकि इसमें काला है तो नीला यहाँ पे है, तो नीला यहाँ पे है तो काला कहाँ पे होगा, देखिए नीला यहाँ पे है और नीला के नीचे काला है, नीला के नीचे काला है ना, नीला के नीचे काला है, तो नीला के नीचे यहाँ पे काला होगा, काला के ऊपर क्या होगा, नारंगी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। अब बार बार अभ्यास करेंगे तो इस तरीके का प्रश्न जो है वह सॉल्व करना उतना ही आसान होगा जितना मुझे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या 69 है, 69 है, 55 है, 26 है और 13 है, माइनस होते जा रहा है। अब भाई यह भी आपको थोड़ा सा दुविधा में डालेगा, लेकिन दुविधा में हम आपको नहीं फंसने देंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 14 हो गया ना, माइनस हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए 15 में से 6 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 होगा, सॉरी 19 नहीं होगा, 22, यहाँ पे 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और इसके इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी एक पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप फंसेंगे और फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको पैटर्न मिल नहीं रहा है, कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार देखते हैं कुछ अल्टर करके, जैसे 6 9 54 करते हैं और एक ऐड कर देते हैं, 6 और 9 को क्या करते हैं, खुद से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देते हैं, तो 6 9 54 प्लस 1 तो कितना हो गया, 55 हो गया इसको जोड़ने के बाद। उसी तरीके 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं खुद से, तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, और प्लस 1 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, 26 हो गया, क्लियर है। फिर उसी तरीके से साथियों 6 में 2 को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 12 आता है, और 1 उसमें ऐड कर देते हैं 13 आ जाता है, यानी कि 13 आता है। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का नंबर है 1 और 3, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 और 1 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कुछ भी पैटर्न दिया हो सकता है, आप उसे भी उसे ही आपको सत्य मानते हुए आगे क्या करना है, सॉल्व करना है, उस पैटर्न को फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ए का मतलब प्लस है, एस का अर्थ है माइनस, एम का अर्थ है मल्टीप्लाई, डी का अर्थ है डिवाइड, ठीक है ना, डी का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है यहाँ पे शुरुआत हो रहा है ब्रैकेट का, स्टार्टिंग का, ठीक है, और एफ का अर्थ है ब्रैकेट क्लोजिंग का, तो बनाना है इसे, सॉल्व करना है। तो बी क्या करेगा, शुरू करेगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को शुरू करते हैं, 700 लिखते हैं, 700 इसी को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या है ए, और ए का अर्थ है प्लस, तो 700 के बाद प्लस देके 110 लिखते हैं, ये ओ नहीं है साथियों, क्या है, क्योंकि ओ आपको देखिए यहाँ पे कहीं भी इंडिकेशन में यहाँ पे नहीं दे रहा है, ओ का अर्थ कुछ है ऐसा नहीं ना दे रहा है, तो यह मिसप्रिंट हुआ है, यह 11 नहीं है 110 है, ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद एस आ रहा है, तो एस का अर्थ माइनस है, तो 110 के बाद माइनस लिख दिए, ठीक है। फिर आपका क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 लिख दिए, यानी कि 90 आ रहा है। अब एफ है ना, तो एफ का अर्थ क्या हो रहा है, देखिए एफ कहीं आ रहा है, हाँ एफ का ब्रैकेट बंद होगा, तो बंद कर दिए, एफ ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर आपका क्या हो रहा है, डी आ रहा है, डी ब्रैकेट को क्या करेगा, डी प्लस आएगा, है ना, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, डी का मतलब होता है, डी का अर्थ हो रहा है सॉरी डिवाइडेड, चूँकि ए का मतलब प्लस है, तो डी का अर्थ आपका यहाँ प्लस नहीं होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना, डी डिवाइड हो गया। उसके बाद बी आ गया, फिर क्या आ गया, ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट, अब फिर यहाँ से ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी का मतलब क्या हो जा रहा था, यहाँ पे डी का मतलब आपका हो रहा था डिवाइड, है ना, और उसके बाद डी के बाद बी आ रहा था, ब्रैकेट को स्टार्ट करना था। फिर आपका क्या आता है, 9 लिख दिए, एम का अर्थ क्या हो रहा है, एम का अर्थ है गुना, तो 9 इंटू 10, ठीक है। फिर आपका क्या आ रहा है, 9 इंटू 10, फिर एस, तो एस का अर्थ है माइनस, तो 10 माइनस, फिर क्या आ रहा है, 10 माइनस 10 लिख दिए, और उसके बाद एफ आ रहा है, तो एफ का अर्थ क्या है, ब्रैकेट बंद, तो हो गया, बहुत ही आसान है। अब इसे हमको सॉल्व कर लेना है, देखिए 700 और 110 तो कितना हो गया, 810 हो गया, और उसमें से 90 को माइनस कर देना है, क्लियर है, 700 एक 800 810 माइनस 90 डिवाइडेड। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 हो जाएगा, 19 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसमें से इसे घटाते हैं, 810 में से 90 को, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 9 गया 2, और यह 7 हो जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे 80 से, तो यह इसको कितने बार में कैंसिल करेगा, 9 बार में, तो यहाँ में क्या आंसर आएगा, 9 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। अब देखिए कहाँ है, 9 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ईजी है साथियों, जो कह रहा है उसी को हम लोग फॉलो करते जाएंगे, जो साइन कह रहा है, जिस लेटर को जो साइन बता रहा है उसे ही हम लोग मानते जाएंगे, और इस तरीके से आंसर आपका बन जाएगा। अब देखिए यह 132 नंबर प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए एम बी ई आर, इसका मतलब 27 दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से जेड तक पढ़ते हैं, तो ए का स्टार्टिंग होता है 1, फिर बी का 2, सी का 3, इसी तरीके से अल्फाबेटिकल का इसका पोजीशन है अथवा नंबर कह सकते हैं। तो ए का क्रम कितना है अल्फाबेट ऑर्डर में, पहला,
पहला लिख दिए, एम कितना हो गया 13 हो गया, 13 लिख दिए। फिर आपका चूँकि समझना है कि भाई आखिर ये कह कह क्या रहा है या कर क्या रहा है, और बी का क्रम जो है दूसरा है, ई का क्रम आपका पाँचवा है और आर का क्रम आपका 18वां है। अब इसे ऐड करके देखते हैं, ठीक है, 13 और 1 14 हो गया, 14 दो 16, 16 5 21, 21 और 10 31 और 31 और 8 39 हो रहा है, यानी कि 39 आ रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर देखिएगा 27 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 3 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इस खुद को, इस दोनों, इस सब के ऐड को ऐड किए हैं तो इस सब को जोड़े हैं तो 39 आया, 39 आया है। अब 39 को खुद से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 39 जा कितना आता है 27। तो यही तो यह है, उसी तरीके से यह भी इसको फॉलो कर रहा है। एक बार चेक कर लीजिए समझने के लिए, क्योंकि अभी हड़बड़ी नहीं है, एग्जामिनेशन में हड़बड़ी होगी। एक बार पैटर्न समझ जाएंगे तो यह प्रश्न जब भी आएगा हम इसे आसानी से बना सकते हैं, अभी हम लोग इसे समय दे सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। बी कितना नंबर पर है, दूसरा नंबर पर, आर आपका 18वें नंबर पर है, एन आपका 14 है, ओ आपका 15वां है, तो आपका एन है नहीं, ओ 15, डब्ल्यू 23 है और एन आपका क्या है 14 है, ठीक है। तो इसको फिर से लिखते हैं और अब इसे ऐड करने का प्रयास करते हैं। अब ऐड कीजिए, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 14 5 19, 19 और 3 22 के 2 कैरी 2, 2 4 1 5 1 6 और 1 7 72 हो गया। तो 72 को खुद से मल्टीप्लाईंगे यानी कि 7 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 है ना, देखिए 14 है, तो यानी कि इसी पैटर्न को यह भी साथियों फॉलो कर रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, ग्रीन जी का 7, आर का 18, ई का 5, फिर ई का 5 और एन का 14, ठीक है। अब इसे जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 5 5 10 18 10 28, ठीक है, 28 में आप 21 को जोड़ दीजिए, ठीक है ना, ये 14 7 21 हो गया, 21 प्लस 28 यानी कि 9 49, तो 4 × 9 कितना होगा 36 होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही आंसर बन रहा है, ठीक है साथियों। बढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, जो भी ये कहेगा हम उसे करते रहेंगे, पैटर्न को रीजनिंग का यही मतलब होता है, और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि इस रीजनिंग पे आधारित हम पहला वीडियो बना रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि भाई इतना आसानी तरीके से बताएं, ईजी तरीके से, कि किसी को भी हेडेक ना लगे, कब समय निकल जाए पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर 14 है, 10 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए 12 8 को अगर ऐड करते हैं 20, अब 20 में से 6 घटाते हैं तो 14 होता है, उसी तरह 10 में 6 ऐड करते हैं 16, 16 में से 4 घटाते हैं 12, फिर 8 में 4 ऐड करते हैं 12, 12 में से 2 घटाते हैं 10, उसी तरीके से साथियों 14 में से 14 और 10, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यही ना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों। अभी एक साउंड आ रहा होगा चिड़िया की चूचू करने की, कोई दिक्कत नहीं, अब उसे तो हम रोक नहीं सकते, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। अब यहाँ पे दर्पण छवि कर है, तो दर्पण छवि में क्या बनेगा, शुरू वाला लेटर अंत से हो जाएगा और पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो यह बैक से स्टार्ट होगा, यानी कि इस साइड से स्टार्ट होगा, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, तो इस वाले में परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है तो ए को हम काट देंगे, ठीक है, परसेंटेज ये वाला शुरू चला जाएगा, शुरू में, तो इस वाले में है परसेंटेज नहीं है ना, ये परसेंटेज शुरू में जाना चाहिए, तो ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया, बताइए पूरा भी देखना नहीं पड़ा, हम आंसर तक पहुंच गए, ऑप्शन नंबर सीधे बच गया, ऑप्शन नंबर बी, और कुछ भी चेक हम नहीं करेंगे, हम सीधे आंसर तक पहुंच गए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 135, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यह भी सिलोक्स का प्रश्न है, साइलो का प्रश्न है, अब इसको समझना है, ठीक है, क्या कह रहा है, कोई भी पायलट, जितना भी पायलट है, ठीक है, पाय मतलब पायलट, को जितना भी पायलट है, कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं, मतलब इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं, कोई जितना भी पायलट है, कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, है ना, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी हैं, यानी कि कुछ इसमें का नौसिखिया जो है ना वह खिलाड़ी है, खी फोर खिलाड़ी, ठीक है ना, के फोर भी, पी फोर प्लेयर भी लिख सकते थे, चूँकि हिंदी है तो आपको समझाने के लिए, कोई भी कुछ नौसिखिया क्या है, खिलाड़ी हैं। अब आपको ऑप्शन कौन सा क्या कह रहा है, तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। अब देखिए कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी हैं, पायलट खिलाड़ी है कि नहीं है हम कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी को पढ़िए, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिए
खिलाड़ी हैं, नहीं हैं हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कुछ पायलट खिलाड़ी है, कुछ पायलट जो है वह खिलाड़ी है कि नहीं है, खिलाड़ी का पायलट से तो डायरेक्ट संबंध नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं। और कुछ खिलाड़ी पायलट हैं, कुछ खिलाड़ी जो है ये पायलट है ये हम कह सकते हैं। इस अनुसार से आपका कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें भी आप अगर देखेंगे प्रश्न, चूँकि हम आगे इस तरीके से बढ़ते गए हैं कि क्लियर होते जाए। अब ऑप्शन नंबर अगर एक को आप देखेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा, ठीक है। अगर इसको फिर से समझिएगा तो कोई भी पायलट, जितना भी पायलट होगा वह नौसिखिया नहीं होगा, है ना। और इसमें से कह रहा है कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है, तो पहला नंबर में क्या कह रहा है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, चूँकि इसलिए पायलट खिलाड़ी नहीं होंगे चूँकि कुछ खिलाड़ी का पार्ट नौसिखिया के अंतर्गत आता है। तो क्या हो रहा है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं होंगे चूँकि कुछ इसका भी पार्ट है ना, है ना। तो कुछ पायलट आपका खिलाड़ी नहीं भी होंगे, या कुछ खिलाड़ी पायलट नहीं भी कह सकते हैं, तो उस आधार पर इसे भी हम कह पाएंगे। इसका अगर एक निष्कर्ष रहता क्या रहता कि कुछ खिलाड़ी जो है वह पायलट नहीं है, अगर ऐसा दिया रहता तो हम मानते कि नहीं मानते, क्यों, क्योंकि कुछ खिलाड़ी नौसिखिया का पार्ट है और वह क्या है, पायलट नहीं है। तो इस आधार पर यह भी सही हो जाएगा, कुछ खिलाड़ी पायलट नहीं है, अच्छा कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक, मात्र ऑप्शन नंबर एक ए फॉलो करेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 136, कुत्ता को अगर आप पालते हैं तो क्या करता है, रक्षा करता है। तो घोड़ा को अगर हम पालेंगे तो वो घोड़ा क्या करेगा, सवारी देगा ना, सवारी के काम में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही आंसर बनेगा। अब देखिए यह प्रश्न भी थोड़ा सा दुविधा वाला प्रश्न है, लेकिन जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आप सीरियल नंबर याद कर लेंगे तब यह प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। अचानक से इस तरीके का प्रश्न आएगा, लंबा गैपिंग रहेगा, तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब देखिए महाराजा का कोड है आपका यह, तो इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। महाराजा एम का मतलब क्या होता है, 13, ए का मतलब 1, एच का मतलब 8, मतलब इसलिए चूँकि अल्फाबेटिकल क्रम पर होता है, ठीक है। 18 नहीं है, देखिए फिर से समझिए, एम अलग अलग लिखते हैं, 13 एक साथ, ए का 1, एच का 8, फिर ए का 1, फिर आर का 18 एक साथ, फिर ए का 1, है ना, जे का आपका 10, जे का आपका 10 एक साथ, और फिर ए का 1, तो कितना लेटर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है कि नहीं, 4, 4, 8 है ना। अब उसी तरीके से उसको कोड किया गया है, क्या चीज़, जेड, तो जेड कितना हो गया, 26 हो गया, एन आपका 14 हो गया, और यू आपका 21 हो गया, ठीक है। एन आपका यहाँ भी 14 हो गया, फिर आप ई आपका 5 हो गया, और उसके बाद एन आपका 14 हो गया, फिर आपका डब्ल्यू आपका 23 हो गया, है ना, और फिर आपका एन आपका 14 हो गया। अब इसके बीच में का गैपिंग देखते जाइए, 13 से 26 में जाने के लिए 13 बढ़ेगा, 1 से 14 तक पहुंचने के लिए 13 बढ़ेगा, 8 से 21 तक पहुंचने के लिए 13 बढ़ेगा, फिर 1 से 14 तक पहुंचने के लिए भी 13 बढ़ेगा। अब साथियों उल्टा चाहे सीधा, ठीक है, अगर सीधा ही जाइएगा तो 18 के बाद चूँकि लेटर कितना होता है, 26 होता है, तो 18 में 2, 18 2 20, 6 26, यानी कि 18 में 8 जोड़िएगा तो कहाँ तक पहुँचिएगा, 26 तक पहुँचिएगा, और 26 के बाद फिर से ए बी सी डी स्टार्ट हो जाएगा, तो ए बी सी डी ई, तो ई पाँचवें नंबर पर आएगा, तो यह भी आपका 13 का गैप है, फिर यहाँ भी 13 का गैप है, 13 का गैप है, 13 का गैप है, यानी कि 13 के गैप को यह पैटर्न क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से इसका कोड पूछ रहा है, यानी कि रेन ड्रॉप का, तो आर का कितना होता है, 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का आपका 4 होता है, देखिए डी का आपका 4 हो गया, आर का आपका फिर 18 हो गया एक साथ, फिर एम एन का हो गया, यहाँ पे एन का हो गया 14, ओ का आपका 15 दिया हुआ है, और पी का आपका कितना दिया हुआ है, 16 दिया नहीं हुआ है, मतलब लिखना है। अब देखिए इसको 13 बढ़ाना है, ठीक है, तो 18 के बाद अगर आप 13 ऐड करेंगे तो यही ना हुआ है, आर का जो है 18 है, तो आर का यहाँ पे कोडिंग आपका क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, चौथा नंबर 1, 2, 3, 4, तो डी हो गया है ना, समझ में आ रहा है। अगर 18 में अगर आप बढ़िएगा 13, ठीक है ना, तो 13 बढ़िएगा तो 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, 18 में 2, 20, 6, 26, 18 में अगर आप 13 को करते हैं तो 8, 3, 11, 1,
18 में 13 को ऐड करते हैं, ठीक है। 8 3 1 11, 1 1 2 31 होगा, तो 31 26 के बाद कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 26 जेड होता है, 5 आगे बढ़ेगा तो ए बी सी डी ई तक आएगा, ये पाँचवें नंबर पर आएगा, तो सही है। 1 के बाद 13 बढ़िएगा तो 14वें नंबर पर आएगा, यानी कि एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ई हो गया, 14वां एन हो गया, ठीक है, ई एन हो गया, तो भी वाला तो कट गया। फिर यहाँ पे 9 है, 9 में 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 22 होगा, 22 होगा ना, तो यहाँ पे भी होगा, ई एन भी, ई एन भी, चलिए ई एन ए है तो यह कट गया, ई एन भी सही जा रहा है, फिर ए भी आपका सही जा रहा है, चौथा भी सही जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यू आ रहा है ना, ए के बाद ई एन भी, ई एन भी ए, ई एन भी ए, फिर अगला क्या आना चाहिए, ई के ई आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्यू आ रहा है, यानी कि बैक से चौथा लेटर, 1 2 3 4 14 नंबर है ना, तो 14 में अगर 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 27 होगा। चौथा नंबर यहाँ था, हमने इसी को ऐड कर दिया है ना, 1 2 3 4, इसमें अगर 13 को ऐड करेंगे तो 13 4 17 होता है, और 17 क्यू का नंबर होता है, तो क्यू कहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि कैमरा नंबर पर है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 छठा नंबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सब में 13 ही बढ़ रहा है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 138, यहाँ है 9 का क्यू, 6 का क्यू और यहाँ पे 4 का क्यू, और 7 का क्यू कितना होता है, 27 नहीं होता है ना, 3 का क्यू है, तो यहाँ पे सी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। 139 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दर्पण छवि का चयन करना है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा और पलटेगा, पीछे की तरफ घूम जाएगा, है ना, तो सी पीछे की तरफ यहाँ है, यहाँ यहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में वाई है, तो यह गलत है, यह वाई आपका शुरू में आ जाएगा, है ना, तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। अब पहला नंबर को ऑप्शन को देखिए, है ना, वाई से पीछे से स्टार्ट करते हैं, यह पिछला आगे आ जाएगा, तो वाई पलट जाएगा, ठीक है, एक ही जैसा रहेगा, आर पलट के उल्टा हो जाएगा, फिर किसका आएगा, एल का नंबर, एल भी आपका उल्टा हो जाएगा, फिर आएगा ए का नंबर, यहाँ पे भी ले आया है, तो यहाँ यह गलत हो गया। अब इसको देखिए, वाई है, आर है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आर के बाद एल आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यह भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा, बिल्कुल ही ईजी है, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 140, ठीक है, 140 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ईजी है, जितना अल्फाबेटिकल नंबर में ऑर्डर है, जिस भी लेटर का क्रम है उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, जैसे ए का क्रम पहला है, सी का तीसरा है, फिर तीन लिख दिया, फिर तीसरा है तो तीन लिख दिया, ई का पाँचवा क्रम होता है तो पाँच लिख दिया, एस 19 है तो 19 दो बार लिखा है चूँकि एस दो बार है, इसी तरीके से आपको इसको भी लिखना है, तो ई पाँचवा नंबर है, एक्स को कहिएगा तो 24वें नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, ई पाँचवें नंबर पर आता है, एल दो बार है तो एल का क्रम 12वां होता है तो 12 दो बार लिख देंगे, ठीक है। फिर ई आपका पाँचवा क्रम है, पाँचवा नंबर पर आता है, एन आपका 14वां नंबर पर आ जाता है तो 14 लिख दिए, सी तीसरा नंबर पर और ई पाँचवा नंबर पर है, तो इस तरीके का आपका कहाँ पर दिया हुआ है, 52 43 यहाँ पे देखिए बी नहीं होगा, है ना, 52 34 है तो 52 43, ठीक है, फिर 5 फिर 1 फिर 2, यहाँ पे आपका गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका गड़बड़ हो रहा है, देखिए मिलाइए 52 43 52 43 51 21 25 14 35, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 141, जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्लू, डब्लू के बाद भी, यानी कि भी ई डब्लू एक्स वाई जेड, एक एक घट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यू हो जाएगा, बराबर। अब इस बीच वाले में देखिए सब छोटा लेटर है, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ है ना, एफ के बाद अगर यहाँ से देखिएगा बी, अंतिम बी, अंतिम फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, तो यहाँ पे अगर डी है ना, अगर आप काउंट करिएगा, एफ है, ई है, एफ है ना, सी डी ई एफ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए, यू एफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इजी तरीक़े से आपको हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इजी तरीके से आप समझ भी सकते हैं। अब इसको देखिए, प्रश्न संख्या 142, यह भी बहुत ही आसान है,
इसमें क्या कह रहा है, 3, 2, 5 और 2, 7 है इस तरीके का, है ना, 7 बना हुआ है। यहाँ पे कितना बना हुआ है, 6 बना है, और यहाँ पे पता नहीं, और यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे 5 बनना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपका 3, 2, 5, 2, 7 है, यहाँ पे 6 है, तो इस वाले फिगर में 5 बनना चाहिए, क्योंकि आगे क्या है, 4 है। अब 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 6 है नहीं होगा, 4 है नहीं होगा, 2 है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143, 6 है, 18 है, 32 है, 50 है और आगे डैश है, तो यहाँ पे बढ़ने में कितना हो गया, वो 12, 12 6 18, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 बढ़ा होगा तभी तो हुआ होगा ना। अब देखिए 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 12 है, 14 है, समझते जाइएगा, हो सकता है यह प्रश्न आपको फंसाए। 12 के बाद 2 बढ़ा, 14 के बाद 4 बढ़ा, है ना, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, तो या तो अगला क्या बढ़ेगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 बढ़ सकता है, 8 भी बढ़ सकता है, इसका डबल भी हो सकता है, क्योंकि 2 का डबल 4 है, तो 4 का डबल 8 भी बढ़ सकता है, या 2 के में 2 बढ़ा, 2 में 2 बढ़ के 4 हुआ है, तो 4 में 2 बढ़ के 6 बढ़ सकता है, इस दो चीज़ को ये फॉलो कर सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, यानी कि 50, 18 में हम 6 को बढ़ाते हैं, ठीक है, दो तरीके से इसको हम लोग समझते, हो सकता है 18 में 6 बढ़ा होगा, और नहीं तो 18 में क्या बढ़ा होगा, 8 बढ़ा होगा, तो 8 8 16 और 1 1 2, 26 बढ़ गया होगा, है ना, और नहीं तो 24 का बढ़ोतरी हुआ होगा, तो 50 में 24 बढ़ा और 50 में 26, तो 6 76 हुआ होगा, और नहीं तो 74 हुआ होगा, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया, यह पैटर्न जो है दोनों पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, आखिर कर क्या रहा है, तो देखिए फिर से 6 18 32 50 12 14, है ना, और आपका 18, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो मान लेते हैं ना तो 6 बढ़ रहा है ना 8 बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं हो सकता है एक बार और 4 बढ़ा होगा, ठीक है, यानी कि 4 बढ़ा होगा तो 22 हो गया होगा, 22 बढ़ा होगा, 18 4 22, ठीक है, तो 22 50 में अगर ऐड करेंगे तो कितना हो गया होगा, 72, तो इसके इसके बीच का डिफरेंस 22 है, तो फिर क्या हो रहा होगा, मान लेते हैं कि फिर भी 4 ही बढ़ेगा, तो 22 4 26 हो जाएगा, 26 का डिफरेंस होगा, है ना, तो 26 और 72 को अगर ऐड करते हैं तो 6 2 8 और 7 2 6 2 8 और 7 2 9, यानी कि 98, ठीक है ना, 98, तो 12 में से 8 गया, इसका डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4, है ना, और 8 में 7 गिरेगा 1, है ना, उस तरीके से अगर देखेंगे तो यह भी आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगे भी 4 ही बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, अभी यहाँ पे देखिए 19 है, 29 है, 59 है और यह 79 है, तो आगे क्या होगा, अगर इसको आगे देखिएगा तो 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 10, 2 में से 1 गया 1 तो 10 हो गया, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 30 हो गया। अब इसे देखिएगा, इसके बीच का अगर अंतर निकालेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यानी कि एक बार 10 बढ़ा, एक बार 30 बढ़ा, एक बार 20 बढ़ रहा है, तो यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, है ना, 10 के बाद 20 30 बढ़ गया, यानी कि उसके बाद फिर 20 बढ़ गया, तो यह पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ऐसा कर सकते हैं, एक स्किप करके चेक कर लेते हैं, एक आगे बढ़ रहा है, यानी कि 19 29 59 डैश, तो इससे इसको मैच करते हैं, इससे इसको मैच करते हैं, है ना, तो इस दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 40 हो जाएगा, और इस दोनों के बीच का 29 और 79 के बीच का गैप हो जाएगा 50, यानी कि अगला स्टेप इसको छोड़ के यही होगा, आगे फॉलो करेगा, तो 40 के बाद बढ़ के आगे 50 हो गया है, तो यह क्या करेगा, या तो बढ़ भी सकता है, 40 से 50 तो नहीं होगा क्योंकि 50 यह हो गया, तो या तो 40 होगा नहीं तो 30 ही रह जाएगा, सेम कांस्टेंट ही रह जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा, तो मान लेते हैं कि अगर 40 ही बढ़ा, ठीक है, हो सकता है ये बढ़ा है तो ये घट भी सकता है, दोनों तरीके का पैटर्न फॉलो कर सकता है, यह अभी क्लियर नहीं है, तो 59 में मान सकते हैं कि 40 का बढ़ोतरी हुआ, और मान लेते हैं घट भी जा सकता है 10, तो 59 में 30 का बढ़ोतरी होगा, तो 9 5 3 8 89 भी आ सकता है,
और आपका 99 भी आ सकता है, तो 89 और 89 दोनों है। अब हम किसे आंसर माने, यहाँ पे दुविधा है, आप किसी को आंसर मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, चूँकि यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ हम क्या मानेंगे, यह वाला पैटर्न क्या होगा, घटेगा, 40 से क्या हो जाएगा, चूँकि इससे कम है तो यह इससे 10 फिर कम हो जाएगा, 89 मानेंगे, ठीक है, इस तरीके से मानेंगे, हालांकि यह उतना भी क्लियर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 145, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जैसे टिड्डा कीट के अंतर्गत आता है, टिड्डा कीट के अंतर्गत आता है, उसी तरह लकड़बग्घा किसके अंतर्गत आएगा, स्तनपाई जानवर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146, भाला, कैटापुल्ट, पिस्टल और राइफल, यह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, यह जो है सारे के सारे क्या है आपके, हथियार है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए, स्क्वायर बॉक्स के अंदर सर्किल है और सर्किल में एरो नीचे की तरफ है, तो उसी तरीके से क्या हो गया, स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या है, सर्किल है और उसी के में ऊपर की तरफ हो गया, उल्टा की तरफ एरो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सर्किल के अंदर स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सर्किल के अंदर स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए, तो यह गलत हो जाएगा, सर्किल के अंदर स्क्वायर, तो यह भी सही है, यह भी सही है। अब यहाँ पे तीर इस साइड में है, तो इस वाले में तीर इस साइड में होगा, तो इस साइड में तीर ऑप्शन नंबर डी में है, सी गलत होगा, एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हमारा बचा, वही हमारा सही आंसर बनेगा। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। संचार का कहने का मतलब क्या हुआ, अपने मैसेज को, अपने बात को किसी माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाना। तो टेलीफोन के माध्यम से फ़ोन कॉल करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक दूसरे से बात होगा, हमारा मैसेज उन तक पहुंचेगा बात के ही माध्यम से, ठीक है। और संचार के लिए अगर हमारा अपना मैसेज किसी को लिखना है तो हम पत्र के माध्यम से भी लिख सकते हैं, तो वह सारा जो है वह संचार के अंतर्गत पत्र भी आ जाएगा और आपका टेलीफोन भी आ जाएगा, है ना, टेलीफोन भी आ जाएगा, तो संचार का यह टेलीफोन और पत्र जो है दोनों माध्यम है। तो यह वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी इसको बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 149, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे चार खेल दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा असंगत है, तो असंगत खेल का चयन करना है। अब देखिए, डिस्कस थ्रो है, ठीक है, गोल्फ एक पूरा गेम का ही नाम है, डिस्कस थ्रो को कोई गेम नहीं, शॉर्ट पुट उसमें एक क्या है, हैमर थ्रो, इस सब में क्या हो रहा है, एक या ऐसे भी समझ सकते हैं, गोल्फ में क्या हो रहा है कि गोल्फ को एक जगह से दूसरे जगह ये कर रहा है, ये सब फेंकने का काम हो रहा है, ठीक है, फेंकने का काम हो रहा है, डायरेक्टली हाथ से ही फेंक रहा है, थ्रो शॉर्ट पुट यह सब हाथ से डायरेक्टली कर रहा है। अब गोल्फ जो है एक डंडे खिलाड़ी से खेला जाता है, और गोल्फ गोल्फ को अगर कहेंगे तो एक गेम ही है, तो गोल्फ हमारा क्या हो रहा है, इस सब से अलग हो रहा है, भिन्न हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही आंसर बनेगा। साथियों, इस तरीके का ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरीके का ट्रायंगल हो, एक दो और तीन यानी कि चार खंड में उसको डिवाइड करें, तो उसमें कुल कितने ट्रायंगल होते हैं, 10 ट्रायंगल होते हैं। अब देखिए, इस वाला पूरा पार्ट कितना मिलाएगा, 10 निकालेगा। अब यहाँ से ये पूरा मान लीजिए, ये कितना निकालेगा, 10, ये भी निकालेगा तो 20 निकालेगा, और यह पूरा का पूरा पार्ट कितना निकालेगा, 10 निकालेगा, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों, अगर आपको रीजनिंग, जो कि यह सेट आपको सेट नंबर 1 है RBD का प्रैक्टिस सेट, इसमें किसी भी तरीके का परेशानी हुआ हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या और कितना बेहतर हो सकता है, अगर आप कुछ सुझाव है तो आप हमें सुझाव भी अपना साझा कर सकते हैं। बने रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से, आपको जितने भी सेट प्रैक्टिस होंगे जो कि रीजनिंग से संबंधित होंगे, उन तमाम सेट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, और बेसिक तरीके से यानी कि जो बिगिनर भी होंगे उन्हें भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन कर देंगे। जब तक आपका एग्जामिनेशन चलता रहेगा, यानी कि एग्जामिनेशन के दिन एक दिन पहले तक आपको प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस जो कि रीजनिंग से संबंधित होगा उसका स्पेशल वीडियो अपलोड किया जाएगा। हो सकता है मिनिमम तो एक या हो सकता है दो तीन भी वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड किए जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।